नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अक्सर हम गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम में हमारा रजिस्ट्रेशन करके हम भूल जाते हैं और हमें पता नहीं होता है कि जो हमारा नाम है, हमारा आधार कार्ड है, वो गवर्नमेंट की किस किस योजना से लिंक है, किस किस योजना से हमारा नाम जुड़ा हुआ है। सो आज की इस वीडियो में दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि आप अपने आधार कार्ड के थ्रू पता लगा सकते हैं कि आपका जो नाम है, आपका आधार कार्ड है, वो गवर्नमेंट की किस किस योजना से लिंक है, किस किस योजना से आपका नाम जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ये प्रोसेस आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं या फिर आपके पास में लैपटॉप है तो लैपटॉप के थ्रू भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो आधार कार्ड है, ओटीपी के थ्रू कितना यूज किया गया है, आपकी बायोमेट्रिक के थ्रू कितना यूज किया गया है, कौन सी सर्विस के लिए आपके आधार कार्ड को यूज किया गया है। तो बने रहे इस वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है और इस ब्राउजर में आपको टाइप करना है माई आधार। माई आधार टाइप के जैसे आप सर्च करेंगे, आपके सामने फर्स्ट लिंक आ जाएगा। सिंपली आपको इसी पर ही क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वेलकम टू माई आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे, या इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे तो वेलकम माई आधार की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद दोस्तों आपके जो भी आधार कार्ड के नंबर है, वो आधार कार्ड के नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे एंड जो कैप्चर कोड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कैप्चर कोड आप यहाँ पर फिल करके सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाती है, ओटीपी को आप यहाँ पर फिल करेंगे एंड लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। तो आप सारी चीजें फिल करके जैसे लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे आप अपने आधार प्रोफाइल पे रीडायरेक्ट हो चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला इंटरफेस आप कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आप अपने आधार कार्ड से जुड़ी सभी सर्विसेज अब यहीं से आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड डाउनलोड करना, आधार कार्ड को पीवीसी भी मंगवाना, आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करना। तो इन्हीं के अंदर से दोस्तों आपको एक सर्विस यहाँ पर शो होगी, आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री। सिंपली आपको इसी पर ही क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको पहली चीज़ तो बता देता हूँ, यहाँ पर दोस्तों आप अपने आधार कार्ड की 50 हिस्ट्री ही यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका आधार कार्ड कौन कौन से स्कीम में यूज हो रखा है, आपके आधार कार्ड से कौन कौन सी स्कीम जुड़ी है, आपके नाम से कौन कौन सी स्कीम चल रही है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर 50 हिस्ट्री ही देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हिस्ट्री देखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आप यहाँ पर सेलेक्ट मोडलिटी पर आप क्लिक करेंगे। सेलेक्ट मोडलिटी पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। बायोमेट्रिक के थ्रू अगर आप कोई सर्विस में अपना रजिस्ट्रेशन किया है तो आप यहाँ पर बायोमेट्रिक सेलेक्ट करेंगे, या फिर दोस्तों बायोमेट्रिक विथ ओटीपी के थ्रू अगर आपने किसी सर्विस में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है तो यहाँ पर आप ओटीपी पर भी क्लिक कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से आप जिसके भी थ्रू किसी भी स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करवाए हैं वो ऑप्शन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ पर आप आल के बटन पर ही क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आप किस डेट से किस डेट के बीच में आप अपने आधार कार्ड की हिस्ट्री निकालना चाहते हैं, यानी कि दोस्तों आप किस टाइम से किस टाइम के बीच की आप आधार कार्ड की हिस्ट्री यहाँ पर निकालना चाहते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं एंटर स्टार्ट डेट पर आप क्लिक करेंगे। आप जैसे एंटर स्टार्ट डेट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप आज की डेट से पिछले 6 महीने तक की हिस्ट्री यहाँ पर निकाल सकते हैं और 50 हिस्ट्री आप यहाँ पर टोटल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आज से पिछले 6 महीने की हिस्ट्री में हम यहाँ पर चले जाएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हम दिसंबर 2022 में हमने स्टार्ट डेट यहाँ पर चुन ली है। इसके बाद में हम एंड डेट पर क्लिक करेंगे और आज की एंड डेट हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में फैच ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। हम जैसे फैच ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों ये थोड़ी देर प्रोसीड होगा और प्रोसीड होने के बाद में कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर आ चुका है कि आपका आधार कार्ड किसके थ्रू ज़्यादातर यूज़ किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ओटीपी के थ्रू दोस्तों आपका जो आधार कार्ड है वो 78% यहाँ पर यूज़ किया गया है। हमारा जो आधार कार्ड है वो बायोमेट्रिक के थ्रू 21.5% यूज़ किया गया है। आपका आधार कार्ड बायोमेट्रिक के थ्रू कितना यूज़ किया गया है वो परसेंटेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा डेमोग्राफिक के थ्रू जितना परसेंट आपका आधार कार्ड यूज़ किया जाएगा वो आपका परसेंटेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर पेज में स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपके आधार कार्ड की यहाँ पर सारी हिस्ट्री आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर क्लिक करके भी आप यहाँ पर और भी हिस्ट्री यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जिस डेट को आपका आधार कार्ड यूज हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर शो हो जाएगी,
और किसके थ्रू, ओटीपी के थ्रू या बायोमेट्रिक के थ्रू आपका आधार कार्ड या जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ओटीपी या बायोमेट्रिक और स्टेटस के अंदर जिस सर्विस में भी आपका आधार कार्ड यूज हुआ है वो सर्विस में सक्सेसफुली आपका आधार कार्ड यूज किया गया है, इसके अलावा जिस सर्विस में यूज किया गया है उस सर्विस का नेम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों आप यहाँ पर सेकंड नंबर वाली सर्विस देखेंगे, हमारा आधार कार्ड 19/5/2023 को यूज किया गया है, ओटीपी के थ्रू यूज किया गया है और जो सर्विस उसमें सक्सेसफुली यूज किया गया है और जो सर्विस है वो नेशनल यूनिफॉर्मेशन सेंटर जो सर्विस है इसके अंदर हमारा आधार कार्ड यूज किया गया है और बाकी का यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन आईडी है, रेस्पॉन्स कोड है और एरो कोड है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो आधार कार्ड है वो बायोमेट्रिक के थ्रू भी यहाँ पर 30/3/2023 को यूज़ किया गया है और यहाँ पर आप देखेंगे जिस सर्विस में भी हमारा आधार कार्ड यूज़ किया गया है उस सर्विस में यहाँ पर फेलियर बताया गया है, यानी कि बायोमेट्रिक के थ्रू हमारा आधार कार्ड यूज़ तो किया गया है लेकिन हमारा यहाँ पर फिंगर नहीं लगा या फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने फिंगर लगाने की कोशिश की और हमारे आधार कार्ड को यूज़ करने की कोशिश की हो तो यहाँ पर हमारा आधार कार्ड नहीं लगा। और जो सर्विस है आप यहाँ पर देख सकते हैं ड्यूटी एंड सी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ये दोस्तों जो कोई जमीन वगैरह होती है जिसकी रजिस्ट्री वगैरह की जाती है उस रजिस्ट्री में हमारा फिंगर को यूज़ करने की कोशिश की गई है लेकिन हमारा फिंगर यहाँ पर यूज़ नहीं हो पाया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार की सर्विस आपको नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और जो कोड वगैरह है वो आपको इधर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर पेज में स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक सर्विस और दिखा देता हूँ 27/4/2023 को दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे बायोमेट्रिक के थ्रू हमने एक रिलायंस जियो की सिम निकलवाई थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं रिलायंस जियो इन्फॉर्मेशन लिमिटेड उसकी भी आपको यहाँ पर सर्विस देखने को मिल रही है, उसकी भी हिस्ट्री आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी बेहतरीन सर्विस है, आप यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं दोस्तों कि आपका आधार कार्ड कौन कौन सी सर्विस में यूज़ किया गया है और कब कब आपका आधार कार्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो आप यहाँ पर और भी पेज पर क्लिक करके और भी पेज यहाँ पर देख सकते हैं और इन सभी पेजेस को दोस्तों आप यहाँ पर डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करके आप यहाँ पर इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर शो ऑल पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी इस पेज की पीडीएफ यहाँ पर डाउनलोड होकर आ चुकी है। इस पीडीएफ का जो दोस्तों पासवर्ड रहेगा आपका आधार कार्ड में जो आपका नेम है वो उस नाम के शुरू के 4 वर्ड कैपिटल आपको यहाँ पर फिल करना है और आपकी जन्म की जो ईयर है वो ईयर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में आपका जो पासवर्ड है यहाँ पर लग जाता है और सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे तो आपकी जो पीडीएफ है वो खुलकर आपके सामने आ जाएगी। ये सारी पीडीएफ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इस पीडीएफ में आप कंप्लीटली देख सकते हैं कि आपका आधार कार्ड कहाँ कहाँ पर यूज़ किया गया है, कौन कौन सी सर्विस में यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर टोटल 50 सर्विस आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार यूज़ करके आप भी अपने आधार कार्ड की बायोमेट्रिक, ओटीपी या फिर जो स्कीम है ये सभी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अलावा आपको भी कोई कन्फ्यूज या फिर सवाल जो आप है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नए और यूनिक वीडियो के साथ में। अभी जय हिंद, वंदे मातरम।